हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही उत्तर लेकर आ चुके हैं हम लोग। पिछले वीडियो में जो है सिर्फ 15 का ऑब्जेक्टिव किए थे, 15 क्वेश्चन का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों 42 का 42 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही आप लोग मिलाइए दोस्तों। और वीडियो को जरूर फटाफट शेयर कीजिए। मैं बता दूँ, ये कोड है मेरे पास, एफ कोड है दोस्तों, देख सकते हैं। जो भी आप लोगों का सेट कोड है ना, वो मिलाइए आप लोग। और फटाफट उसके बाद जो है ना, मैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आंसर की देने वाला हूँ दोस्तों आप सभी को। वायरल क्वेश्चन जहाँ दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आप लोगों को जैसे ही डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, जो भी आप लोगों का सेट है मिलाइए फटाफट, बिल्कुल सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कमेंट में कितना आप लोगों का सही हो रहा था। देखिए, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है एमिडो ग्रुप। तो राइट आंसर एक का ए हो जाएगा यहाँ पर। दो नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो ये होता है दोस्तों आपका CU, कॉपर हो जाएगा। तो दो का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। तीन नंबर देखते हैं यहाँ पे कि कीटोन जो है ना, RCOR का अपचयन LiLH4H2O से कराने पर जो प्राप्त होता है ना, ये होता है दोस्तों हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो तीन का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। चार नंबर है कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है ना, तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है दोस्तों, ये क्या होता है यहाँ पे, तो चार का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो चार का ए हो जाएगा। चलिए पांच देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन जो है प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो हाइड्रोजन जो प्रबलतम ऑक्सीकारक है दोस्तों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फ्लोरिन। बिल्कुल ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2020 का। फिर आता है छः नंबर की HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती ना, ये होता है दोस्तों आपका चार। तो छः का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सात नंबर देखते हैं कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व है, तो आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन के अलावा जो पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सल्फर। तो सात का यहाँ पे ए हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठ नंबर की किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है ना, ये क्या होता है, तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। तो आठ का सही उत्तर आपका सी। रोक रोक के वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, फटाफट आप मिलाइए। ये एफ कोड है, जो भी आप लोग का ए से लेकर जे तक सेट है मिलाइए फटाफट। उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स का हिंदी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आंसर, ठीक है, आप लोगों को सब्जेक्टिव भी दूंगा। नौ नंबर है कि उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस जो है दोस्तों, नौ का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, अपरूप। तो नौ का ए राइट आंसर। दस नंबर है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रसरण क्रिया में जो निकल पाते हैं ना, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से जो प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं वो होता है दोस्तों आपका क्या, तो ये होता है विलायक के अणु। तो राइट आंसर यहाँ पे दस का बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 11 देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है ना प्रबलतम भस्म है दोस्तों, तो प्रबलतम जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है ना, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों CH3Cl3N, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का डी आपका हो जाएगा। मिलाते रहिए दोस्तों फटाफट, और कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। बेरवादार ठोस पदार्थ है, मतलब एमोरफोस सोलिड, ये आपको मैंने बताया था, ये हो जाएगा ग्लास। तो 12 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, ग्लास। 13 नंबर देखते हैं दोस्तों कि NiCO का हॉल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, तो NiCO का हॉल 4 में जो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का सही उत्तर आपका, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का ए। 14 देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर जो निर्भर करता है ना, वो क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ की के क्रिया करने का जो दर निर्भर करता है वो करता है दोस्तों यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान पर। तो 14 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 15 देखते हैं कि निम्न में से कौन जन जिंक का एस्क नहीं है, तो जिंक का जो अयस्क नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जिंक ब्लेंड, ठीक है, सॉरी, जिंक का जो अयस्क नहीं है वो आपका बॉक्साइट हो जाएगा। तो 15 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बॉक्साइट जो है ना वो एल्यूमिनियम का यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। 14 का मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का जो द्रव्यमान करता है वो सक्रिय द्रव्यमान पर, तो 14 का ए हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर 16 देखते हैं कि निम्न में से फिनोल को पहचाने, तो फिनोल को जो यहाँ पर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 16 का डी, ठीक है। फिनोल को यहाँ पे पहचानने का, आइडेंटिफाई फिनोल फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर आता है कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना P = CRT, तो राइट आंसर 17 का ये हो जाएगा आपका। चलिए 18 देखते हैं दोस्तों कि ओलियम का सूत्र होता है, तो ओलियम का जो सूत्र होता है ना, ये होता है H2SO7। तो याद रखिएगा 18 का ए, मिलाइए दोस्तों फटाफट, आप लोग कॉमेंट कीजिए कितना आप लोग का आ रहा है। 19 नंबर है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो कम हो जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर जो जल का क्वथनांक कम हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है, तो 19 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 20 देखते हैं कि Na3Cr
C2O4 का हॉल 3 में क्रोमियम के उप सह संयोजों की जो संख्या होती है ना वो कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका यहाँ पे 20 का ए हो जाएगा 3, तो राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा। चलिए 21 देखते हैं हम लोग कि अभिक्रिया N2+3H2 2NH3+Q जो यहाँ पे ताप बढ़ाने पर ना क्या होता है इसमें, तो इसमें जो होता है दोस्तों वो होता है कि अमोनिया जो है ना NH3 का उत्पादन घट जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 का बी। चलिए 22 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, तो 22 में जो सही उत्तर हो जाएगा ना एनिलीन में तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, तो 22 का सही उत्तर आपका डी हो गया। 23 नंबर है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो सिरका में अम्ल जो पाया जाता है ना उसका नाम आपको बताना है, तो 23 का सही उत्तर आपका यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा, तो 23 का बी हो जाएगा। 24 है कि रवादार ठोस है, तो रवादार जो ठोस है दोस्तों वो आपको यहाँ पे हीरा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने बताया था 24 का ए। चलिए 25 देखते हैं कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो COOH ग्रुप के अलावा जो एमिनो अम्ल में पाया जाता है ना ये पाया जाता है NH2, तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का बी दोस्तों आप लोग, ठीक है 25 का बी। 26 है कि निम्न में से किस में जो है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव जो नहीं पाया जाता ना ये होता है चीनी के घोल में, तो यार अटेंशन यहाँ पे 26 का ए हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है ना एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो एल्डोल संघनन में जो भाग लेता है दोस्तों ये होता है आपका कौन सा, तो ये होता है CH3CHO, तो राइट आंसर यहाँ पे 27 का बी। चलिए 28 देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का जो मान होता है ना वो क्या होता है दोस्तों, तो 0.693/K हो जाएगा, बी आप लोग मार सकते हैं या फिर सभी को नंबर दे क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं है, 38 के जगह पर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 693/K, ठीक है तो 28 का बी आप लोग मार सकते थे, अगर नहीं मारे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों सभी को नंबर दिया जाएगा। फिर आता है कि 29 नंबर की कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो कीटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है ना ये क्या होता है दोस्तों, तो 29 का सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना था यहाँ पे, तो 29 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 30 नंबर है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जाँच देता है, तो कौन जो है ना यहाँ पर कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जो जाँच देता है ना ये होता है दोस्तों कौन सा, तो HCOOH होता है, तो 30 का सही उत्तर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 30 का बी। चलिए 31 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आप लोग फटाफट मिलाइए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि आप लोग को कितना आ रहा था इस ऑब्जेक्टिव आंसर की के मदद से, कितना आप लोग सही करके लाए हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, तो आकृति जो चतुष्फलक होती है ना ये NaCl4K2-, तो 31 का डी हो जाएगा यहाँ पर। 32 है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है दोस्तों ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का ए हो जाएगा उत्क्रमणीय, तो 32 का ए आपका सही उत्तर। 33 है दोस्तों कि एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्केनॉल का जो सामान्य सूत्र होता है ना ये हो जाएगा CnH2n1+O, तो यहाँ पे 33 का ए हो जाएगा आपका। 34 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो लौह चुंबकत्व जो प्रदर्शित करता है ना ये करता है दोस्तों आपका CrO2, तो यहाँ पर 34 का ए हो जाएगा। देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है जिसका आंसर जो है ए आ रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों, यहाँ पे बेंजीन का सूत्र जो है ना ये C6H6 है, जो लोग ए मारे होंगे उसका तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सही हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि सभी का तो अधिकतर ए ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर ए आ रहा है तो कल भी वाले में ए ही मतलब ए ऑप्शन ही आएगा, ऐसा मत करना गलती, नहीं तो सब नंबर कट जाएगा आपका। फिर 36 है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, तो अनुसंख्यक गुण जो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे परासरण, तो राइट आंसर यहाँ पे 36 का ए। 37 है कि वात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो वात भट्टी में जो अपचयन होता है दोस्तों ये होता है आपका आयरन का, तो यहाँ पर 37 का ए हो जाएगा। 38 है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, तो क्रियाशील मूलक जो है ना यहाँ पर दोस्तों तो ये हो जाएगा एल्कोहल में, तो ये OH हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का ए। देखिए उसके बाद सबका ए आ जाएगा दोस्तों, 39 का भी आपका मिथॉक्सी मिथेन का जो सूत्र है ना ये आपका ए हो जाएगा CH3OCH3, 39 का ए। फिर 40 में खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क, इसका भी आंसर ए ही आएगा दोस्तों। अब आता है यहाँ पर 41 के आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है, तो ये रॉल नियम के जो पालन करता है वो आदर्श विलयन का गुण होता है, तो यहाँ पे 41 का भी ए। फिर आता है 42 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका भी आंसर ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं ये कथन सही है।
यहाँ पे 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं हमारे एंड से, तो 100% सही है दोस्तों। आप लोग बताइए कि कितना यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं कितना आप लोग का सही आ रहा था, फटाफट कमेंट कीजिए। और जल्दी से अगर वीडियो चाहिए बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, सब का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग का सबसे ज़्यादा जिस भी जो भी मतलब सब्जेक्ट का कमेंट आएगा सबसे पहले वही वीडियो डालूंगा। इसके बाद मैं बायोलॉजी का भी डालने वाला हूँ, जो भी छात्र का बायोलॉजी है कल, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स का, हिंदी का, सब का आएगा दोस्तों। तो बन रही दोस्तों इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहे इस चैनल को।